पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, ये जो है असल मुद्दे हैं। और दवाई, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, इस पे नीतीश कुमार जी नहीं बोलते, गरीबी पे नहीं बोलते, भुखमरी पे नहीं बोलते। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं शुभे आपके साथ। बिहार में इस वक्त चुनाव का दौर चल रहा है और लगातार सियासी बयानबाजी भी जोरों पर है। अगर इसी कड़ी में हम बात करें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की, तो वो लगातार नीतीश कुमार को घेरते नजर आते हैं। इसी कड़ी में जब आज उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत की, तो उन्होंने एक बार फिर से कह दिया कि मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ और मेरा काम है मुख्यमंत्री से सवाल करना। जब मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा कि नीतीश कुमार लगातार ये कह रहे हैं कि जब जब आप उनकी नाकामियों को गिनवाते हैं, इसका मतलब है कि वो आपका प्रचार प्रसार आप नीतीश कुमार का कर रहे हैं। इसके साथ साथ तेजस्वी यादव ने ये भी कह दिया कि मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ, मैं जनता से सवाल भी करूँगा और अगर उन्हें हिम्मत है तो मुझसे आकर डिबेट करें। और साथ ही साथ क्या कुछ विकास किया है उन्होंने वो तो पूरा बिहार जानता है, पूरा देश जानता है। वो पहली बार मुख्यमंत्री बिहार के नहीं बने हैं, दरअसल वो एक अवसरवादी मुख्यमंत्री हैं, अवसर देखकर ही वो कोई भी काम करते हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, आप खुद सुन लीजिए। नीतीश जी मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। असल मुद्दे हमने कल भी दोहराया था, कमाई, पढ़ाई, सिंचाई, ये जो है असल मुद्दे हैं। पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, ये जो है असल मुद्दे हैं। और दवाई, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, इस पे नीतीश कुमार जी नहीं बोलते, गरीबी पे नहीं बोलते, भुखमरी पे नहीं बोलते। कौन सी बातें, कहाँ की बातें जिसकी आज कोई ज़रूरत नहीं है, वैसी बातें वो कह रहे हैं। हम वर्तमान और भविष्य की चिंता कर रहे हैं, बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको जो है इतिहास के जो बासी पन्ने हैं उसी में उनको बातें रखनी हैं, तो उनको मुबारक हो। लेकिन वो बताएं ना, रोज़गार पे क्यों नहीं बोलते, बेरोज़गारी पे, कारखाने पे क्यों नहीं बोलते, महंगाई पे क्यों नहीं बोल रहे। तो इन सारे मुद्दों पे उनको बोलना चाहिए, बताना चाहिए कि उनके 15 साल में बिहार बदहाल क्यों हुआ, नीति आयोग के रिपोर्ट में क्यों सबसे फिसड्डी राज्य जो है वो बिहार है, इस पे उनको बोलना चाहिए। जेपी नड्डा ने कहते चल रहे कि जितना आप उनके खिलाफ बोलिएगा उतना उनका प्रचार हो रहा है, जबकि दुष्प्रचार वो खुद कर रहे हैं। खिलाफ तो हमने बोला नहीं, हमने तो काम की बात बोली है। नेता प्रतिपक्ष अगर मुख्यमंत्री से जनता के सवाल नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा। उनको मुद्दे पे बोलना चाहिए, तो वो तो निजी हमले बोल रहे हैं। क्या कितना गाली दे रहे हैं ये तो पूरी बिहार की जनता, देश की जनता सुन रही है। और जब गाली दे रहे हैं उसको भी हम बोलते भाई उनका आशीर्वाद के रूप में हम ले रहे हैं। उनके भाषण में एक शब्द वो बार बार बोल रहे हैं, अगर मेरी सरकार आई थी ये करेंगे, अगर आई थी करें, अगर के पीछे क्या राज है। आप एक बात समझिए, पहली बात तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे। नीतीश कुमार जी एक जो उनके वैचारिक प्रतिबद्धता है वो पूरा देश जानता है। वो बताने की अवसरवादी और वैचारिक प्रतिबद्धता पूरा देश नीतीश कुमार जी को जानता है।